हेलो गाइस, वेलकम टू द हर्ष ट्रेडिंग। एक बार और आप लोगों का स्वागत है हर्ष ट्रेडिंग की एक और एनालिसिस वीडियो में। देखिए, मार्केट आज बहुत ही अच्छी रही, ऐसा बोल सकते हो। मार्केट ने एक अच्छा सा यहाँ पे आप देखिएगा, जो कल का लेवल्स मैंने दिया था वो सभी के सभी लेवल्स मार्केट ने प्रॉपरली फॉलो किए थे। और बहुत ही अच्छे मार्केट आज, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी मार्केट आज रही थी। बहुत ही अच्छे पुट साइड के सिग्नल्स मिले थे, सबको मिले होंगे। और बहुत ही अच्छा एक डाउन साइड का मोमेंटम आया था। हमने यहाँ पे पहले मॉर्निंग में तो कंसोलिडेशन ही हो रहा था, मॉर्निंग में कुछ भी नहीं हो रहा था, मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं थी। उसके बाद बहुत ही अच्छी मार्केट आई थी। बट जो लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया होगा उनको बड़े ही प्रॉफिट मिले होंगे। आज कोई छोटे प्रॉफिट पे कोई भी आई थिंक क्लोज नहीं हुआ होगा। बट चलिए, आज की मार्केट के थोड़ी से व्यू देखते हो। पहले देखो, पहले तो ये पूरा कंसोलिडेशन देन रेंज जैसे ब्रेक हुआ, मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। पहला ट्रेड हमारा यहीं पे खत्म हुआ था। इस बीच में मैंने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था। सेकेंड ट्रेड मैंने जब मार्केट यहाँ पे 46,000 के नीचे आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था और यहीं पे कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था और निकल गया था, ठीक है। थर्ड ट्रेड इसी बीच रेंज में स्कैल्प लिया था, बस खत्म वहीं पे। उसके बाद आज के नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे के दिन की बात करते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हलचल हो सकती है और क्या मार्केट में हलचल होनी चाहिए। आज के जैसा ही प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया था, एकदम मस्त ऐसा प्राइस एक्शन बना के हुए, मार्केट नीचे की ओर आया था। बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन क्रिएटेड था, ठीक है। इसी को मैं फॉलो कर रहा था, मैंने लाइव पे भी सब लोगों को बताया हुआ था कि ये प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो कर रही है, हमें भी करना है। एंड ऑफ द डे में मार्केट ने प्राइस एक्शन को ब्रेक किया और एक अपर साइड की मोमेंटम दी है। सो बात करते हैं फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन कैसा और क्यों कैसा मार्केट रह सकता है और क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, पहले तो मैं यहाँ पे वन डे की टाइम फ्रेम भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मार्केट ने आज कई दिनों से ये वाले लेवल्स को होल्ड करके रखा है, तो हमारे लिए पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये जोन रहेगा, ठीक है। ये वाला जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। ये वाला जोन है वन डे के टाइम फ्रेम पे देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक आ रहा है तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड मिल चुका है। क्योंकि लास्ट वीक जो भी ट्रेड हुआ उसी जोन के बीच में हुआ। इस जोन के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है तो बड़ा मूव या फिर नीचे, पर चांस तो यहाँ से नीचे के ही होंगे कि नीचे निकलता है तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। तो बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पे पहला तो यहाँ पे देखिए बड़े टारगेट कहाँ पे आ सकते हैं। तो पहले ये लेवल यहाँ पे 45,000 के आसपास, 45,100 के आसपास का एक लेवल रहेगा। और उसके नीचे आएगा तो पहले 45,820 के, 44,820 के आसपास के टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये वन डे की टाइम फ्रेम थी। अभी हम चले जाते हैं 15 मिनट की, यानी कि कल के जाए कल कहाँ पे ट्रेड करें और मार्केट में कल का कब कैसे ट्रेड होगी वो भी यहाँ पे चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, पहले तो मार्केट में हमें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहले हम अपने रेजिस्टेंस है वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि 46,100 के आसपास से मार्केट बहुत ही स्पीड से डाउन आया था, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बन सकते हैं। 46,000 ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस ही रहेगा यहाँ पे मार्केट के लिए, ठीक है। और उसके नीचे आएगा तो यहाँ पे हमारे लिए पहले तो ये हमारी क्लोजिंग है वो एक अच्छे से एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। अगर कल मार्केट हमें इसी जोन के कहीं पे भी बीच में ओपन होती हुई दिखती है एंड देन कुछ कंसोलिडेशन के बाद 45,600 जैसे ही निकलता है, तो यहाँ पे डाउन साइड के बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। डाउन साइड के लिए लेवल्स है, मैं यहाँ पे वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले इंट्राडे लेवल्स है वो ही निकाल लेते हैं, ठीक है। इंट्राडे लेवल्स हमारे लिए डाउन साइड के आएंगे तो पहला लेवल्स है वो 45,420 के आसपास का एक लेवल होगा। और उसके जैसे ही निकले नीचे आएंगे तो 45,280 के आसपास के ये इंट्राडे लेवल हमारे लिए रहेंगे, ठीक है। ऊपर के लिए तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएटेड है, इसीलिए मैं ऊपर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट कल इसी जोन के बीच में ओपन होगा तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो बन सकता है। इसके अलावा मैं थोड़ा सोच लूंगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की बात थी। अभी बात करते हैं हम हमारे निफ्टी के ऊपर की, निफ्टी के कैसा रहा मार्केट और निफ्टी पे हम कल कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि वन डे की टाइम फ्रेम पे क्या हाल चाल है। अभी देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो निफ्टी ने भी अपना जो ये लेवल है वो होल्ड करके रखा है। निफ्टी ने ये वाला लेवल है वो होल्ड करके रखा है। निफ्टी ने आज भी ये 840-850 वाला जो लेवल था वो होल्ड करके रखा था, 870 वाला सॉरी इसी के आसपास वाला, ये 870 वाला लेवल है वो होल्ड करके रखा था। और यहाँ से नीचे की ओर जैसे ही सेलिंग स्टार्ट हुई
तो यहाँ 600 के नीचे और भी सेलिंग कल आ सकती है, तो यहाँ पे टारगेट है वो थोड़े आपको छोटे दिखेंगे, बट टारगेट है वो बहुत ही अच्छे दिख सकते हैं आपको, थोड़े से छोटे मींस के 100 पॉइंट के, जो इंट्राडे नहीं है, मैं ये वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये इंट्राडे के लिए नहीं है अभी, तो ये वीकली चार्ट, पहले वीकली के बात करेंगे फिर इंट्राडे, ठीक है। तो पहले ये वीकली चार्ट यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े टारगेट ही आपको देखने को मिलेंगे, फिर ये 380 वाला लेवल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाला 120 मोमेंटम डाउन साइड की ओर, उसके बाद नीचे की ओर 240 ये वाला लेवल है वो भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा, सॉरी ये नहीं, इसके ऊपर, यानी कि ये कैंडल जो लो क्रिएटेड थे उसके आसपास, यानी कि 300, और उसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है तो यहाँ पे 230 वाला लेवल है वो भी इम्पोर्टेंट रह सकता है, ठीक है। ये जोन हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स के लिए, तो इंट्राडे लेवल्स में कल मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज ही ओपन होती है तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि मार्केट आज वन वे डाउन आया था, वन वे बहुत ही अच्छा डाउन आ रहा था मार्केट, और अच्छी खासी एक डाउन साइड की मार्केट ने आज ट्रेंड दी थी, उसी ट्रेंड में मैं अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक करके गए थे निफ्टी में। अभी देखो ये निफ्टी का ही है, ठीक है, निफ्टी में भी अच्छा खासा एक चैनल बना के निफ्टी डाउन साइड ही आ रहा था, बहुत ही अच्छा मार्केट रहा आज का। एंड नाउ चेक करते हैं कि इंट्राडे लेवल्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो ही यहाँ पे पहले चेक कर दें, तो ये हमारे लिए ऊपर की ओर रेजिस्टेंस, तो पहला हमारे पास होगा ये 720, एज यूजल 700, 700 तो हमारा एज यूजल रहेगा ही, उसके ऊपर निकलेंगे तो ये वाले लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट, यानी कि 760 है वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसके ऊपर थोड़ा निकलता है तो यहाँ पे 820 एंड 800 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, और उसके नीचे यानी कि नीचे आएंगे तो 660 के आसपास वाला ये लेवल हमारे लिए, 650 वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये 600 वाला लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो 600 को यहाँ पे टारगेट मार्क करके रख लेते हैं। मार्केट आज एग्जैक्टली आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 600 के लेवल से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया था नीचे की ओर से, और यहीं से मार्केट ऊपर गया है, तो दैट मीन्स मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होती है और नीचे आना स्टार्ट कर देती है, तो हमारे लिए डाउन साइड का एक बड़ा मोमेंटम रेडी रहेगा। बट मैं ये बोलूंगा आप प्लीज कल के लिए शांत रहिएगा, कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, फ्राइडे है आपको फ्राई भी कर सकता है, ठीक है। एंड नाउ चेक करते हैं हमारे लिए सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स पे ऊपर हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी आज बहुत ही अच्छा डाउन साइड का मॉर्निंग से ही ट्रेंड दिया हुआ था, और अच्छा खासा यहाँ पे मॉर्निंग से ही ट्रेंड आ रहा था। अभी देखो यहाँ पे ऊपर की, अभी कल के लिए हमारे पास क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे वो यहाँ पे देख लो, एक रेजिस्टेंस हमारे लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है वो है 900 वाला, 65,000, सॉरी ये 66,000 वाला ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ही रहेगा, सॉरी सपोर्ट ही रहेगा, उसके ऊपर आएंगे तो ये वाले आज का डे लो है वो भी एक सपोर्ट रहेगा, और उसके ऊपर मार्केट में जैसे ही निकलेंगे तो पहला 66,200 एंड सॉरी 66,200 वाला लेवल है वो भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसके ऊपर हमारे पास डे हाई है, यहाँ से जैसे ही 420 ब्रेक करता है, अगर मार्केट कल डाउन साइड ओपन होती है और 420 जैसे ही ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम यू चुटकी बजा के मिलते हुए आपको दिखेगा। आज मार्केट ने सेंसेक्स ने सबको ट्रैप किया होगा क्योंकि बहुत सारे हैमर बने, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये तो प्रॉपरली ट्रैप हैमर था, ये भी दोनों हैमर ट्रैप थे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बायर्स इतने थे सही, बट इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं थे जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकते थे, सेंसेक्स में ऊपर की ओर मोमेंटम लेके जा सकते थे, बट वो मोमेंटम नहीं मिल पाया मार्केट को, इसी वजह से सेंसेक्स नीचे की ओर ही बढ़ता गया। तो ऊपर के टारगेट्स के बाद बात करेंगे तो यहाँ पे 66,600 एंड देन ऊपर की ओर और थोड़ा बढ़ते थे 750 एंड देन उसके बाद ये रेंज ब्रेकआउट जो था 66,900 वाला वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके ऊपर डायरेक्टली 66,700 का टारगेट फिक्स रहेगा। नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये वाले हमारे जो ऑलरेडी जो लास्ट एक्सपायरी पे लेवल थे वही सेम लेवल्स और सो ही सेम हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे क्रिएटेड रहेगा, ठीक है। यही हमारे आप देख लीजिए लेवल्स है, यही हमारे आज के एनालिसिस थी, ठीक है। यही मैं कल भी चार्ट फॉलो करूंगा, आप भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हो, आप लोग मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे नाम पे कई सारे फेक चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो प्लीज
बी अवेयर रहिए एंड ऑलवेज हैप्पी रहिए। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिए, आपको आंसर जरूर से मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय। एंड आइएगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स पे बात की जाएगी, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो जीरो हीरो भी मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।